देखिए मेरी बात सुने बात यह थी कि जिस वक्त 2002 का जो थी असम्बली उसमें ख़वात के लिए बहुत काम हुआ अच्छा उसमें ख़वात ने एसिड थ्रोइंग के भी बना फिर निकाह के अंदर भी रद्द बदल करके खुतानी के लिए बनाया गया और उस ज़माने में मुझे क्राइसिस सेंटर फॉर वुमेन इंडस्ट्रीज का लाहौर की पहली चेयरपर्सन में थी अच्छा मैंने वो इदारा वो बिल्डिंग भी खुद तश्किल दी अच्छा। उसको डिजाइन किया बनाया फिर वहाँ पे सारी मैंने जो थी अप, अपना ए, ए, उसमें जो लोग थे उनको भी इंटरव्यू करके रखा उसमें अच्छा। हमारा एक पूरा वो बोर्ड था जिसमें आ, वकील भी थे उसमें आ, पुलिस की डीएसपी और एसपी लेवल की खातन भी थी और उसके अंदर मुख्तलि इदारों की एन जी ओस की खुवात थी और पूरी मशीनरी थाने कचहरी से लेकर सब उसमें के हकूक के लिए काम करती थी या उनके ऊपर जो होने वाली दहशत हाँ, अच्छा उसमें ये था कि देखिए जो है वो कोई टाइम देखकर तो नहीं कोई किसी पे तशद करता वो रात बे रात उनके साथ अगर तशदुद हुआ है और तद करने वाले कौन होते हैं अपने ही होते हैं जी हाँ। कहीं खामिद ने मार के निकाल दिया कहीं भाई ने जायदाद ना देने पर लड़ाई झगड़े होते हैं असल तो झगड़ा होता है विरासत के ऊपर जी बिल्कुल ठीक है खामिद के झगड़ा वो तो एक रूटीन की बात है कि घरों में झगड़ा होता है और खातन को मारा पीटा और घर से निकाल दिया तो अमूमन रात के वक्त खात जो होती है ना वो घर से बेघर कर दी जाती है तो हमने वो फिर जगह ऐसी रखी है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना इजीली okay. पहुंच सके। okay. फिर वहाँ पे ये था कि उनको रात को रखने की जगह नहीं थी hmm. तो मैं चूंकि रोटरी क्लब की चार्टर hmm. प्रेसिडेंट थी अपने okay. क्लब की तो मैंने फिर वहाँ पे उनके रिहाइश का बंदोबस्त किया और रोटरी की तरफ से वहाँ पे हमने पूरा एक कमरा तैयार किया जिसमें उनके बच्चों के लिए चीज़ें उनके रात भर रहने के लिए और फिर मैंने अपने तमाम जितनी भी मेरी टीम थी ना उनको ये था कि 24 घंटे क्योंकि औरत को या किसी के साथ जुल्म या तशद्द टाइम देख के नहीं किया जाएगा हाँ, जाए कि जी नाइन टू फाइव आपका दफ्तर खुला हुआ उसके बाद ताला लग गया है, तो ये वो तो औरतें बेघर होके आएंगी या मार खा के आएंगी रात बे रात तो वो हमारी आया वो हमारे जनाब जो वहाँ पे वो थे गार्ड्स वगैरह थे उनको ये मेरा हुक्म था कि आपने जिस भी वक्त रात बे रात कोई अगर खातून आती है तो मेरा फ़ोन खुला है आपने मुझे इतला देनी है मुकम्मल प्रोटेक्शन देती थी कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई मजीद कोई, कोई गड़बड़ना गड़बड़ना